क्वेश्चन है टू डराइव कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम. पिछले लेक्चर में किया था टू डराइव गॉस थ्योरम फ्रॉम कूलम लॉ. स्टार्ट कूलम लॉ ने किया था. अब इसमें मुझे डराइव करना है कूलम लॉ को. इसका मतलब जो कूलम लॉ है उसको तो मैं यूज़ नहीं कर सकता. जो कूलम लॉ है वो पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, ये भी क्लियर है. तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं एक पॉइंट चार्ज लूँगा, ये मेरा पॉइंट चार्ज है. पॉइंट चार्ज अपने आसपास ई लगाएगा. मान लो मेरा क्वेश्चन है स्मॉल आर डिस्टेंस दूर बताओ ई कितना लगाएगा. आप बोल सकते हो 1/4 πε³/r² पर मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये फॉर्मूला आपने ड्राइव किया है विद द हेल्प ऑफ कूलम लॉ. तो कूलम लॉ तो प्रूव करना है, कूलम लॉ का रिजल्ट तो यूज ही नहीं कर सकते. तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ई की पहले वैल्यू निकालते हैं. तो ई की वैल्यू बिना कूलम लॉ के कैसे निकलेगी, गॉस थ्योरम से निकलेगी. कैसे, इस पॉइंट चार्ज के आर डिस्टेंस दूर मान लो आपको ई निकालना है. तो आर डिस्टेंस दूर ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, अंदर भी है, बाहर भी है, हर जगह. तो पॉइंट आर डिस्टेंस दूर अगर मैं गॉशियन सरफेसेस लूं और सभी गॉशियन सरफेस को मिलाऊं तो क्या बनेगा, इमेजिनरी स्फेयर. एक्चुअल नहीं है, इमेजिनेशन में है, डॉटेड लाइन है, इमेजिनरी स्फेयर है. इस इमेजिनरी स्फेयर का सरफेस एरिया क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस. और ई निकालने के लिए प्लस वन रखो, ये प्लस प्लस को रिपेल करेगा तो ई वेक्टर आउटसाइड है. ई डीएस में एंगल क्या है, जीरो. तो इस पोर्शन का स्मॉल फ्लक्स क्या आएगा, ई डीएस कॉस जीरो. टोटल फ्लक्स क्या आएगा, दोनों साइड की इंटीग्रेशन, डीएस की इंटीग्रेशन. इस इमेजिनरी स्फीयर का रेडियस क्या है, स्मॉल आर. तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, 4π² r². गॉस थ्योरम कहती है कि क्योंकि स्फीयर इज अ क्लोज बॉडी, इसके अंदर कितना चार्ज है क्यू, तो क्लोज बॉडी का फ्लक्स क्या होगा, q/ε₀. इन दोनों को इक्वेट कर लें, इक्वेट करके ई की वैल्यू निकाल लें. और फॉर्मूला मुझे पता ही था ये आना है, बस पॉइंट ये है कि मैंने इसको प्रूव किया बाय यूजिंग गॉस थ्योरम. अब इमेजिन करें कि यहां पर एक और पॉइंट चार्ज है q₀. ये पॉइंट चार्ज q₀ इस इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा q₀ × e. ई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/4 πε₀q/r², चेक करो, मल्टीप्लाई करने के बाद फोर्स आ गई, कूलम लॉ प्रूव हो गया. तो पॉइंट समझ में आ रहा है. तो इसमें ई जो निकालना है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम निकालना है, कोई डाउट इसमें, ये पॉइंट भी सबको क्लियर है. तो हो गया प्रूफ.